तो इसको हम स्टडी करेंगे बहरहाल एनवायरमेंटल इंटरक्शन में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही इसमें कंसिडर किए जाएंगे तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव इको इस लेक्चर में हम तो ब्रीफली आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ तो ये जो टर्म इकोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इकोस इसका मतलब है कि फैमिली हाउस होल्ड और लोगी का मतलब स्टडी होता है तो सबसे पहले ये जो वर्ड है एक जर्मन थे हैकल तो उन्होंने 1866 में इसको सबसे पहले प्रपोज किया था उसके लिए उन्होंने वर्ड इकोलॉजी यूज किया था जिसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है जो इंटरेक्शन है वो इकोलॉजी कहलाएगा अच्छा ये जो एनवायरनमेंट है इसमें जो सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो भी किसी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कहलाता है तो इस रिलेशनशिप में वो तमाम इंटरेक्शन इंक्लूड होंगे जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ दूसरे मेंबर्स जो किसी दूसरी स्पीशीज से या अपनी ही स्पीशीज से होंगे उस इंटरेक्शन को भी हम कंसीडर करेंगे इकोसिस्टम इकोसिस्टम का का जो एक, का जो इकोलॉजी मेजर यूनिट है है। वो है। तो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के साथ साथ वो अपनी कुछ लिमिट्स और कंफाइन्स के अंदर भी रहते हैं पार्ट का मतलब भी ही यही होता है कि कुछ ऐसे पार्ट कुछ ऐसे सिस्टम का सेटअप है जो कि एक यूनिट के तौर पे काम करे इको सिस्टम बेसिकली इसमें दो पार्ट ही होंगे जो लिविंग सिस्टम है वो बायोटिक कहलाएगा जबकि जो फिजिकल सिस्टम है वो एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक सिस्टम कहलाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स प्लांटाई माइक्रो ऑर्गेजम हैं, जबकि ए बायोटिक जाएगा उसकी वाटर की एबयोटिक सिस्टम ही कहलाएगा तो अगर हम देखें कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या अगर हम एक चाइल्ड की एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं तो एक चाइल्ड किसी भी अपनी पोजीशन के ऊपर वो कौन से एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है जिसमें लाइट एयर ग्रेविटी एयर प्रेशर टेम्परेचर इसके अलावा कुछ जो इसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ दूसरे जानदार माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म या इस बच्चे के एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर पॉपुलेशन की डेफिनेशन अच्छा, तो हमने ये गुजस्ता लेक्चर में भी की थी चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर में तो यहां पर भी आपको बखूबी पता होगा कि पॉपुलेशन एक ही स्पीशी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही वक्त में एक जगह पर रहते हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं पॉपुलेशन आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि ये जो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहते हैं वो पॉपुलेशन अच्छा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो पॉपुलेशन हैं ये कभी भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती बल्कि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं किसी ना किसी तरीके से ये आपस में इंटरलिंक और कनेक्टेड हैं और ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स uh, को एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व होते हैं अच्छा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पॉपुलेशन जो है ये कंपटीशन में भी होती हैं और कंपटीशन इनमें होता है फूड वाटर स्पेस के लिहाज से और बात एक पॉपुलेशन जो है वो किसी दूसरी पॉपुलेशन के लिए एज ए सोर्स ऑफ फूड भी होती है एक कॉमन uh, सी एग्जाम्पल है चीते की और आप गोड की या आप उसकी डियर की कह सकते हो कि शेर हमेशा हिरण को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है तो लिहाजा ये जो एक पॉपुलेशन है वो दूसरी पॉपुलेशन के लिए एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल होती है और सम टाइम दो पॉपुलेशन आपस में मिलके एक दूसरे को फायदा भी देती हैं या एक पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन को तो नुकसान पहुंचा रही होती है तो इस तरह का पॉपुलेशन का सिस्टम किसी भी एनवायरमेंटल पैरामीटर के अंदर कम्युनिटी कहलाता है जिसमें एक पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होती है अच्छा तो इकोसिस्टम के बहुत से लेवल होते हैं ये लेवल जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है और ये बायोस्फीयर तक मूव करता है जो कि किसी भी इकोसिस्टम में अपने आ, उस एनवायरमेंटल पैरामीटर के साथ इंटरकनेक्ट करता है अच्छा कुछ स्टेजेस पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन बनाते हैं जैसे और उसके अलावा कुछ पॉपुलेशन की कुछ खास पैरामीटर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बाद उसका ग्रोथ रेट क्या है कि का साइज कितनी देर में इंक्रीज होता है और उसकी एज क्या है और पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी उस खास एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है वो स्कैटर फॉर्म के अंदर परे हुए हैं ये जो पॉपुलेशन के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ ये आपस में इंटरैक्ट करने के साथ ये कम्युनिटी के अंदर जो दूसरी पॉपुलेशन मौजूद होती हैं ये उसके साथ ये उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अच्छा मेजर टाइप्स ऑफ जो इकोसिस्टम है जो किसी भी जोग्राफिकल रीजन के अंदर एक वसी पैमाने के ऊपर जो फैली हुई हो उसको हम बायोम कहेंगे बायोम जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स का एक कम्बिनेशन होता है जो कम्युनिटी का एक क्लाइमेक्स के लाता है और ये बायोम्स हमेशा एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जो वेजिटेशन है ये यह यहाँ पर मौजूद होती है यहाँ जैसा कि कुछ ग्रेसिस हैं या फिर ट्रीज हैं अच्छा जो कुछ भो, बहुत सी खुशकी के खुशकी के ऊपर रहने वाले जो बायोम्स हैं उसमें फॉरेस्ट जंगलात हैं और ग्रेस लैंड है डेजर्ट है सेरा है अच्छा अगर हम इन तमाम बायोम्स को आपस में कनेक्ट करें तो आपस में ये कनेक्ट होने के बाद एक प्लेट प्लानी इकोसिस्टम तश्ील देता है तो उसके बाद आ, हम मूव करते हैं इकोसिस्टम में बायोस्फीयर की तरफ कि एक बायोस्फीयर एक वो लेयर है एक बारीक सी लेयर है जमीन के ऊपर जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है तो इस ऑर्गे ऑर्गेनिजम है उन्होंने इस बायोस्फीयर के अंदर ना तो सिर्फ खुद को अडोप्ट किया होता है बल्कि वो इस एडोप के साथ वो एनवायरमेंट में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो उसके साथ भी मुख्तलिफ वे से केमिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म है एक एक बायोस्फीयर के अंदर अपने एक खास लिमिटेड रीजन और एरिया के अंदर रहता है जिसको कहते हैं और ये जो ऑर्गेनिजम है ये हमेशा अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स को रेस्पॉन्स करते हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खास रेंज होती है जिसमें वो इन तमाम फैक्टर्स को टॉलरेट कर सकता है लिहाजा ऐसी प्लेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम फैक्टर्स को टॉलरेट कर सके और जहां पे वो रहे तो ऐसी पोजिशन को हम हैबिटेड कहते हैं तो आई थिंक आज का लेक्चर इतना ही काफी है तो कल हम इंशाल्लाह तला नए सेशन के साथ हाजिर होंगे तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो इन बॉक्स में ड्रॉप कर दे उसको उसका आंसर वहां पर मिल जाएगा ओके okay, अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज